दयानंद एक्यूप्रेशर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखो, ये आपके सामने एक पौधा है, एक बेल है सतावर की। देखिए, स्वयं देखिए, सतावर कम से कम 10-15 फीट ऊंची बेल इसकी चली जाती है और सतावर में कांटे बहुत होते हैं। प्रकृति ने सतावर एक बॉडीगार्ड के रूप में कांटे बनाए हैं। तो आप देखते हैं कांटे जहाँ होते हैं, जैसे बेल के पेड़ में कांटे होते हैं तो बेल बहुत गुणकारी होता है। इसी प्रकार कीकर के पेट में कांटे होते हैं, कीकर भी शुगर में बहुत से रोगों में काम आता है। ऐसे ही जो सतावर की जो बेल है इसमें कांटे हैं तो सतावर बहुत ही गुणकारी है। देखिए, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए सतावर का प्रयोग किया जाता है। धात रोग, लीकोरिया, कमजोरी, बांझपन और प्रेगनेंसी के बाद दूध की कमी होना, उसमें सतावर का चूर्ण बहुत लाभ देता है। और जो लोग सेक्सुअल स्टेमिना की कमी से परेशान देखे जाते हैं, उन्हें सतावरी चूर्ण की खीर बनाकर खाने से स्टेमिना में वृद्धि होती है। सतावरी चूर्ण का आयुर्वेद के साथ बहुत पुराना ऋषि मुनियों का नाता है। इसे खाने से यूरिन की परेशानियां ठीक हो जाती हैं। सतावरी का चूर्ण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। और महिलाओं के लिए सतावर का चूर्ण अवश्य खाना चाहिए। छाती का विकास न होता हो माताएं महिलाओं के लिए, उनको सतावर का चूर्ण खाने से और एक्यूप्रेशर करने से बहुत लाभ मिलता है। और जिनका वेट अधिक होता है वो सतावर का चूर्ण खाएं तो उनका वेट कम हो जाता है। सतावरी चूर्ण महिलाओं की सहेली बताया जाता है, यानी कि उनकी दोस्त है। तो सतावर का चूर्ण महिलाओं को खाना चाहिए। पूरे गर्भकाल में माताएं बहनें सतावरी का चूर्ण खा सकती हैं। सतावरी चूर्ण बहुत ही गुणकारी होता है। तो दोस्तों, नेचर इज द गॉड, प्रकृति ही भगवान है। देखिए, सबसे बड़ी विशेषता ये है, सतावर के पेड़ में पानी की जरूरत नहीं है। जहाँ जितने भी ये कटीले पेड़ होते हैं, ये प्रकृति से, हवा से स्वयं पानी खींचते हैं। तो दोस्तों, हमको आयुर्वेद की तरफ लौटना चाहिए, प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए। आज सारा संसार भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत आयुर्वेद का जगत गुरु रहा है। मैं जयपाल सिंह आर्य, मेरा मोबाइल नंबर 9857-35-83-04। जय हिंद, जय आयुर्वेद।